शनिवार को अबोहर के नजदीक गांव कलरखेड़ा में ट्रक और कार की भयंकर टक्कर में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने समाजसेवी संस्था के सहयोग से मृतक का शव को पोस्टमार्टम हेतु अबोहर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय संदीप सोनी पुत्र विनोद सोनी निवासी सुखाड़िया सर्कल श्रीगंगानगर शनिवार दोपहर अपनी कार में सवार होकर अबोहर की ओर आ रहा था, जबकि गांव कलरखेड़ा के नजदीक पहुंचा तो गंगानगर की तरफ जा रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि संदीप सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान कार के पीछे से गंगानगर की ओर से आ रहे ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ से जा टकराया और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका चालक बाल बाल बच गया। वहीं कार को टक्कर मारने वाले ट्रक को आसपास के लोगों ने कुछ दूरी पर काबू कर थाना खुइया सर्वर पुलिस को सूचना दी तो ट्रक चालक चकमा देकर वहां से भाग निकला। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सुनील कुमार एएसआई बलवीर सिंह अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और समाज सेवी संस्था नरसेव नारायण सेवा समिति के सदस्य सोनू ग्रोवर की मदद से शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जी वक्त करीब 4:15 का होगा, एक इंडिका कार गंगानगर की तरफ आ रही थी, कार वाला जा रहा था, अगों सामने तो एक गड्डी आ रही थी छोटी, जे एंड के का नंबर से गड्डी का जी, वो गड्डी दे ओवरटेक कर लग्या कार वाले की जी, उनकी तेल वाली टैंकी दे विच वज्जा ते जो कार बुड़ के तो इधरों पिछों ही गंगानगर की साइड तो अबोहर नूं एक ट्राला आ रहा था, कार वाला उनके वज्द्या कार घूम गई तो ट्राले की बैक साइड से वजी। ट्राले वाले ने फिर बड़ी कोशिश की बचाऊंदे होया आपका ट्राला जिहड़ा कच्चे दे विच रुख दे विच वज्जा, जिते कार दे विच संदीप कुमार सी सानू विनोद कुमार जो सुनहरा बरादरी नूं बिलोंग करता सी गंगानगर का रहने वाला सी, कार ड्राइवर सी उहदी मौत हो गई ते गड्डी जिहड़ी ओह रोल अप कर ली असीं जिहदे विच वज्जा सी, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है।